हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही खुश होंगे। 30 से 35 साल की शादीशुदा औरत अब तुरंत पट जाएगी। दोस्तों, लड़के हमेशा किसी ना किसी लड़की को या फिर किसी ना किसी औरत को हमेशा पटाने में लगे रहते हैं। ऐसे में अगर आप भी किसी लड़की को या फिर किसी भी औरत को पटाना चाहते हो तो, या फिर किसी भी लड़की को या फिर किसी भी औरत को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो लेकिन वो आपको ज्यादा भाव नहीं देती है और ना ही आपको कोई रिस्पॉन्ड करती है, ऐसी सिचुएशन में लड़की को पटाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। चाहे लड़की या फिर औरत कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो या फिर सुंदर क्यों ना हो और उसमें कितना भी एटीट्यूड भरा क्यों ना हो, हर लड़की की या फिर हर औरत की कोई ना कोई कमजोरी होती है, कोई ना कोई वीकनेस जरूर होती है। अगर आपको इन कमजोरियों के बारे में पता चल जाता है ना, तो आप इन कमजोरियों का फायदा उठाकर उसे बहुत ही आसानी से पटा सकते हैं। तो आज जो है ना, हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि 30 से 35 साल की शादीशुदा औरत अब तुरंत पट जाएगी। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। इसलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखनी चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, अगर पुराने हो तो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, सीधा ही हमारा वीडियो आपके पास आ जाएगा और आप वीडियो को मिस नहीं करोगे। तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहला पॉइंट के बारे में। किसी भी शादीशुदा औरत को पटाने से पहले आपको सबसे पहले अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी बातें करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और जब भी वो कोई काम आपको दे तो जल्दी उस काम को करने की कोशिश करो। और एक बात हमेशा याद रखना, उसके दोस्तों के साथ या फिर उसके रिश्तेदारों के साथ आपका संबंध अच्छा होना चाहिए। अगर वो कोई प्रॉब्लम में होती है तो उसके प्रॉब्लम के बारे में पूछिए। अगर वो आपको प्रॉब्लम अपनी बताती है तो उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करो, और उसके पति के साथ अच्छा दोस्ती रखने की कोशिश करो ताकि उसके पति के जरिए से आप उस तक पहुंच सके। दोस्तों, ये बात आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि उसके पति को आपके ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसके पति को आपके ऊपर शक हो जाता है तो उस औरत के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, और वो भी आपकी वजह से। इसीलिए दोस्तों, जितना हो सके नॉर्मल रहने की कोशिश करो और धीरे धीरे उसके मन में अपने प्यार जगाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दोस्तों जल्दी का काम शैतान का होता है। दोस्तों, आप उसके साथ आराम से पेश आइए तो वो बहुत ही जल्दी आपकी ओर आकर्षित होकर आपके बारे में सोचने लगेगी। इस तरीके से आप किसी भी शादीशुदा औरत को बहुत ही आसानी से पटा सकते हैं। अगर आप ये तरीका इस्तेमाल करोगे तो आप बहुत ही आसानी से किसी भी औरत को या फिर किसी भी लड़की को पटा पाओगे। वो कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, उसके अंदर में कितनों भी एटीट्यूड क्यों ना रहे, आप उसे पटाने में कामयाब हो जाओगे अगर आप ये तरीका इस्तेमाल करते हो तो। बात करते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट के बारे में। आपने अक्सर ध्यान दिया होगा, हर औरत दिन भर कितना काम करती रहती है लेकिन फिर भी उसकी कामों की कोई तारीफ नहीं करता। अक्सर ऐसे औरतों को वो सम्मान नहीं मिल पाता जिसका वो हकदार होती है। इसलिए औरत का स्वभाव बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा होने लगता है। वो हमेशा यही सोचती है कि मेरे काम की कोई तारीफ नहीं करता। ऐसे में अगर आप उस औरत के मेहनत और काम का तारीफ करने लगोगे तो वो औरत आपको एक सच्चे दोस्त के रूप में देखने को मिलेगी, और आप उसका ध्यान ऑटोमेटिकली अपने तरफ खींच पाओगे। क्योंकि दोस्तों, अगर आप उसके लिए अच्छा स्वभाव रखोगे तो वो भी आपके बारे में सोचने लगेगी और आपकी देखभाल भी करने लगेगी, आपकी चिंता करने लगेगी और आपकी हर वो बात मानने के लिए तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से किसी भी शादीशुदा औरत को पटाने की कोशिश कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप ये तरीका इस्तेमाल करते हो ना तो बहुत ही आसानी से किसी भी औरत को पटा सकते हैं। अगर आप दिए गए टिप्स के हिसाब से अगर फॉलो करते हो तो आप बहुत ही आसानी से उस औरत को पटा सकते हो जिसे आप पसंद करते हो, जिसे आप लाइक करते हो। तो बात करते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट के बारे में, इमोशनल बातें करो। औरतों की कमजोरियों में ये बात शामिल है। ज्यादातर औरत बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती है। अगर आप उसे इमोशनल करने में कामयाब हो जाते हो ना, आप उसका दिल बहुत ही आसानी से जीत सकते हो। अगर आप किसी भी औरत के दिल में अपने लिए जगह बनाना चाहते हो तो आपको जब भी मौका मिले उसे इमोशनल करने की कोशिश करो। अगर आप उसके साथ ऐसा करते हो तो ऐसा करने से उसका दिल पिघल जाएगा आपके लिए, और वो भी आपको सहानुमति दिखाने लगती है। दोस्तों, आपको ये बता दे कि ये इतना जबरदस्त तरीका है कि लगभग ये तरीका सभी औरतों के ऊपर या फिर सभी लड़कियों के ऊपर काम करती है। अगर आप सही रूप से उसे इमोशनल करने में कामयाब हो जाते हो ना, तो उसे आप चुटकियों में पटा सकते हो। बस तरीका को इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी 3 टिप्स। अगर आप 30 से 35 साल की किसी भी शादीशुदा औरत को बहुत ही जल्दी पटाना चाहते हो ना, तो ये 3 टिप्स आपको यूज करना ही पड़ेगा। अगर आप ये 3 टिप्स यूज कर लेते हैं ना, तो बहुत ही जल्दी आप उस लड़की को या फिर उस औरत को पटाने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप दिए गए जानकारी सही से यूज करते हो, सही से फॉलो करते हो, तो समझ लीजिए कि आपकी बात बन चुकी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दिए गए जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।